सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। ये देखें मैंने लाइनिंग, ये जो मेरा फॉर्म शीट है इसके साथ मैं मेन फैब्रिक के साथ सिलाई कर ली हूँ। ये देखें अब मैं इसकी इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। इसकी इसकी चौड़ाई मैंने 20 इंच ली हूँ और इसकी लंबाई मैंने 34 इंच ली हूँ। ये देखें इस तरह से फोल्ड करेंगे। सेम उसी मेजरमेंट से मैंने ये भी ली हूँ। ये देखें इस तरह से ये 20 इंच है और इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने 32 इंच ली हूँ। ये देखें पहले ये देखो मैंने ये दो पीस ली हूँ। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो ये मैंने इसकी चौड़ाई 3 इंच ली हूँ और इसकी लेंथ मैंने 17 इंच ली हूँ और एक मैंने जिप ली हूँ। इसकी लंबाई 19 इंच है। ये देखें अब मैंने रनर इंस्टॉल कर ली हूँ। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग करेंगे दोनों साइड, यहाँ से यहाँ तक दोनों सिल के रेडी करेंगे। ये देखो दोनों साइड मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। सेम लाइनिंग पीस का भी मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। अब ये जो हमारा सीधा है ये रनर जो हमने इंसर्ट किए थे इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। देखो मैं इस तरह से सिलकर आपको एक बता दी हूँ कि इस तरह से सिलना है। जैसे देखो ये है, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे सबसे पहले और ये जो हम सीधा सिलाई किए हैं इस पर इस तरह से पाँव इंच स्टिचिंग जो हमने की है वो छोड़ देंगे हाफ इंच इस तरह से लेके यहाँ से इसकी यहाँ से लेकर पूरा ये जहाँ तक आ रहा है यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ तक हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हम स्टिचिंग कर लिए हैं। ये देखो अब हम इस तरह से उल्टा रखेंगे अपना ये पीस इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हमने पाव इंच स्टिचिंग नहीं किए थे यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर जिस तरह हमने अपना जिप सिले हैं उस तरह से यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो स्टिचिंग हो गई है। अब इस तरह से निकालेंगे इसको यहाँ से यहाँ पे। ये देखें इस तरह से अब यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमारा सिल्क रेडी हो गया। अब हम इसे कवर करेंगे। ये मैंने डबल फोल्ड ली हूँ अपना पीस इस तरह से। मैं इसे रख कर इस तरह से यहाँ से टू साइड स्टिचिंग करके सीधा करूँगी। देखो इसे सीधा करेंगे। इसे खोलने के बाद इस तरह से हम वन फोल्ड टू फोल्ड इस तरह करेंगे इस तरह से यहाँ पर। अब यहाँ से ये चारों साइड स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये इस तरह से हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से इसे फोल्ड करके यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारा दो निशान हो गया है। दो मैंने पीस ली हूँ। इसकी लेंथ इसकी चौड़ाई है 2 इंच और इसकी लंबाई है 20 इंच। सेम इसी का ये सेम मेजरमेंट का ये है। सबसे पहले हम इस तरह से इसे रखेंगे, इस पे निशान लगाएंगे इस तरह से। इसे फोल्ड करने के बाद ये हम निशान लगाएंगे दोनों साइड इस तरह से। ये इस लाइन पे यहाँ रख के इस तरह इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसका भी हम निशान लगाएंगे इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पे इसे निशान लगाएंगे। इसे हम इस तरह से रखेंगे। देखो ये जो निशान है इस तरह से लेकर हम यहाँ से इसकी स्टिचिंग करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हम कंप्लीट करेंगे सेम उसी प्रोसेस से इसकी भी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। अब हम इसे ऐसे ही रखेंगे। ये जो हमारी लाइनिंग वाली पीस है हम इस तरह रखेंगे इस यहाँ से यहाँ तक। ये यहाँ से इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। सेम हम जो ये हैं इस पार्ट को इस तरह से रखेंगे यहाँ से रखकर इसको इस तरह स्टिच करेंगे। देखो ये मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। अब इस तरह से हम ये इस तरह से यहाँ तक यहाँ की स्टिचिंग करेंगे। सेम इस तरह से ऐसे लेंगे इस तरह से यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो मैंने दोनों साइड स्टिचिंग कर दी हूँ। ये जगह थोड़ा सा मैंने छोड़ दी हूँ ताकि उसे सीधा कर सके। अब हम बेस के लिए जगह बनाएंगे। ये देखो यहाँ से मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ से मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से।
इसे हम कटिंग करेंगे। अब ये ही हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, इसकी कटिंग करेंगे। ये हम इस तरह से स्टिचिंग करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे इस तरह से यहाँ पे। देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है, देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। यहाँ से इसे हम उल्टा करेंगे अपने मेन फैब्रिक को, फिर यहाँ से यहाँ स्टिचिंग करेंगे, यहाँ से यहाँ स्टिचिंग करेंगे। मेन फैब्रिक है, इसे देखो उल्टा है। इस तरह से हम यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे, इस तरह से। सबको एक तरह से स्ट्रेट एक लाइन बना देंगे इस तरह से। सेम पीछे भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से स्टिचिंग करेंगे, यहाँ से लेकर इस तरह से। देखो इसकी स्टिचिंग हो गई है। अब हम स्टेप तैयार करेंगे। स्टेप के लिए देखो मैंने ली हूँ, इसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच ली हूँ, इसकी लंबाई मैंने 27 इंच ली हूँ। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे, इस तरह से दोनों रेडी करेंगे। ये देखो मैंने स्ट्रैप लगा के रेडी कर दी हूँ। इसका मेन मिड पॉइंट मैंने लेकर 3 इंच और 2 इंच डाउन करके मैंने स्ट्रैप लगाई हूँ। ये दोनों स्ट्रैप अंदर करेंगे इस तरह से, इसे सीधा करेंगे हम, इसे हम सीधा करेंगे। ये जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन था, इसी साथ यहाँ हम जो जॉइन है यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से इस तरह से गोलाई में पूरा स्टिच करेंगे। देखो हमारी स्टिचिंग हो गई। अब जो हमने स्पेस ओपन की थी, इस तरह से हम सीधा करेंगे। देखो ये मैंने ओपन कर ली हूँ। अब ये खुले हुए हिस्से की हम स्टिचिंग करेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद हम ये ऊपर से टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। अब ये हमारा बैक का ओरिजिनल लुक इस तरह से आएगा। ये देखें इस तरह से, ये अंदर काफ़ी स्पेस है, ये हम शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये हमारा, ये देखो इस तरह से हम इसे कैरी कर सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। देखो एक नए डिज़ाइन के साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा बैग बना है।